तो स्पेस वॉकर का रूम देखा है क्या? हाँ देखा है। कौन? वो छपरी यूट्यूबर स्पीच बुकर। हाँ मैंने उसका रूम देखा है, इसने बहुत अच्छा रूम बनाया है। चलो देख के आते हैं। तो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज सौम्या पाटीदार, यू आर वाचिंग स्पेस वॉकर गेमिंग। तो गाइस फाइनली जो है अपना रूम टूर आ चुका है, 2022 का फाइनल रूम टूर आ चुका है। चलिए तो चलते देखते हैं कैसा है अपना रूम। अच्छा ही होगा यार, भाई ने मेहनत की तो अच्छा ही होगा। चलो देखते हैं। अरे सॉरी गाइस, ये थोड़ा डर्टी हो रहा है बेड, अपन इसको ठीक कर देते हैं। तो गाइस वो सॉरी, थोड़ा डर्टी था बेड, अभी ठीक हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस पे लव लिखा हुआ है। आई लव क्यों दिखा रहा है बे? हम तुमको छापरी यूट्यूबर क्यों बोला था? इसलिए ही बोला था। तुम ये क्या दिखा रहे हो? तो मेन चीज नहीं दिखाते हो फसड़ी वाले छापरी यूट्यूबर। सो गाइस बहुत हुआ मजाक, अभी सीरियसली अपन रूम देखते हैं, ठीक है? तो ये स्टिकर मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है फ्लिपकार्ट से। मैं इसका प्राइस जो है फोटो में दिखाऊंगा आपको। ये मस्त स्टिकर है, बहुत सस्ता है, बजट कैटेगरी का है, जस्ट शोभा बढ़ाने के लिए लगाया अपन ने, है ना? तो अपन पहले लाइटें चालू करें या पीसी चालू करें? कुछ भी चालू कर लो, करना तो है ही। पहले क्या करते हैं, लाइटें चालू करते हैं। सीधा सा फंडा है, ये है बटन, तो एक दबाया एक लाइट बंद, दूसरी बार दबाया चालू, नीला लाइट आ गया। गाइस देख रहे हो आप, ब्लूइश इफेक्ट ऐसे लेके आया हूँ मैं कि मतलब ये जो बल्ब है, ये बल्ब भी बहुत बजट कैटेगरी का बल्ब है। 3-4 बार बटन चुटकी दबाने का ये नीला कलर हो जाता है। तो ये अभी नीला कलर हो गया है, अब बचा अपना रेड वाला तड़का। तो रेड वाले तड़के के लिए मैं बता रहा हूँ मैंने क्या यूज़ किया है, ठीक है गाइस? के लिए मैंने यूज़ किया है ये फ्लोर लाइट, इसको मैंने जो है टेढ़ी रखी हुई है बालकनी पे। यस, और बालकनी पे टेढ़ा रख दिया है इसको, और ऊपर वो वहाँ पे भी एक फ्लोर लाइट रखी हुई है। एंड ये सब वायरिंग ऊपर जो है हाइड है, बिल्कुल नहीं दिखेगी आपको। तो ये जो है ऊपर का फंडा है ये पूरा। अब मैं इसकी पूरी लाइटिंग दिखाता हूँ आपको। बटन दबाएंगे एंड कैमरा भैया हमारा फोकस नहीं करता बे। इसको ये होती रिमोट, पर्सनल असिस्टेंट वाला रिमोट। मैं खुद ही करता हूँ इसको लाल, रेड कलर, रेड कलर इफेक्ट आने लग गया है। बचे हैं भैया ई वाली लाइटिंग बची हमारी, हम इसको भी जलाती रेड। तो गाइस ये एक और रेड इफेक्ट यहाँ से मार रहे हैं अपन इधर, और एक वो जो है फ्रंट में आप देख सकते हो रेड लाइट, और ये जल रही है, ठीक है गाइस? लेकिन अभी भी अपना गेमिंग रूम वाला लुक आ नहीं रहा, क्योंकि ये वाली लाइट चल नहीं रही है, इनको भी चला देते हैं। ई देखो इसका स्विच ये है एक्सटेंशन वाला, ये दबाते से ही जगमगा गए कमरा। हाँ गेमिंग रूम भी अभी भी मजा नहीं आ रहा। ट्यूबलाइट कौन बंद करेगा बे, तुम्हारा पापा? अभी ट्यूबलाइट बंद करते हैं अपन, एंड अभी भी मजा नहीं आया गाइस। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारा पीसी चालू नहीं हुआ बे। पीसी कौन चालू करेगा? हाँ देखो अब पीसी चालू होने वाला है, और ये एमसीबी रूट से लाइट ही लाइट छगमगा गया, और ये होती बटन, इससे मेरे को मिलती पावर। मैं इसको दबाता, जैसे ही दबाया पे ये कीबोर्ड जगमगा गया। इसको अपन थोड़ा सेटिंग्स कर देते हैं, एंड ये होती मेन स्विच जहाँ से अपना ये बीस चालू होता है। बीस चालू हुआ, एंड गाइस ये देखो ये अपना पीस चालू हो रहा है, एंड ये मेरा जो है गेमिंग रूम का लुक आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो कंप्यूटर जो है अपना चालू हो गया है, ये अपन चालू करते हैं। हमारे ग्रैंडफादर आते हैं, तो प्रणाम ग्रैंडफादर जी। सो ये कुछ इस तरीके का लुक है, एंड दिस बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है। तो ये जो है ये मदरबोर्ड है, इसको मदरबोर्ड बोलते हैं।
ये प्रोसेसर, ये मतलब ये सिर्फ और सिर्फ डिजाइनिंग के लिए और शो ऑफ के लिए रखा गया है। ये मदरबोर्ड लगे तीन तीन, बहुत पहले दिखाया हूँ। हाँ, किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो हमारा मदरबोर्ड देखने में बे देख लीजिए ना। मैं क्यों देखूँ, देख चुका हूँ मैं। तो ये वायर का है, ये वायर आ रहा है कनेक्टर, दिवाली की सीरीज लगी हुई है उसी चीज का कनेक्टर है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बहुत काम की चीज है। हथियार तुमने फोन को पकड़ता है, अब क्या करें, हम गरीब और छपरी यूट्यूबर है तो हमारे पास कैमरा नहीं है, तो हम फोन से ब्लॉगिंग या वीडियो बनाता है। फाइन, ये मेरा ट्रैपॉड है, ट्रैपॉड जिससे मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ इंस्टाग्राम पे। 10 पेज होकर करके मेरी आईडी है, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कर लो यार, ट्रैपॉड की कसम कर लो यार। अब कुछ सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए आप लोग, मैं मिलता हूँ लास्ट में, ठीक है। मेरी बकचोदी बहुत हो चुकी है, अब मैं लास्ट में मिलता हूँ, मेन चीजें दिखाता हूँ।